विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे नेता अपनी धुन में क्या ठीक हैं या क्या गलत का उन्हें कोई एहसास नहीं है। पानीपत में दीवारों, सरकारी इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर आजकल पोस्टर बोर्ड छिड़ गया है। गौरतलब है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता में ये नियमों का उल्लंघन है और कोई शिकायत करे तो इस पर FIR भी दर्ज हो सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं कार्यकर्ताओं का दल बदल तो शुरू हुआ है, पर आजकल वोटर्स को एक बात बड़ा अखर रही है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक छोटे स्तर के नेताओं में नियमों का उल्लंघन कर अपने प्रचार के लिए सरकारी इमारतों, सार्वजनिक स्थानों और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वॉल पेंटिंग, नारे और पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। पानीपत के पुराने GT रोड पर एक ही पार्टी के नेताओं में इस तरह का कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है। इस बारे में शहर के लोग क्या सोचते हैं? चुनाव के टाइम पे ऐसे लगा देते हैं, इस टाइम पे अच्छी अच्छी भगवान की फोटो लगाएं, वो सही रहेगा। मेरे हिसाब से तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें। हाँ, अगर आम जनता लगाती है तो उस पर पूरी कार्रवाई करते हैं ये। अब राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी जगह पर, किसी विशेष जगह पर ऐसे लगाना इनका गलत है। इसके ऊपर कोई विशेष कानून बनना चाहिए। ये ऐसी नहीं पोस्टिंग, मतलब हर जगह लिखते जा रहे हैं और इसमें टाइम भी लगता है लोगों का, उनके भी पैसे लगते हैं। ठीक है, ये गलत है, ये चीनी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बनाना चाहिए, जैसे आम पब्लिक है अगर वो यहाँ लिख दे, ठीक है, तो उसके लिए कार्रवाई रहेगी। ठीक है, अगर वो लोग करते हैं तो इसके लिए कुछ नहीं होता जी, ये गलत है ना भाई। अभी तो सरकारी द्वारे पर लगा रहे हैं, बाद में तो हर एक संसद वगैरह सब अपने कब्जा कर लेंगे, लोगों के घरों दीवारों पर लगाने लग जाएंगे। कौन रोकेगा यार, गरीब आदमी का है कौन है गरीब आदमी का? पार्टी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी सीट से मतलब होता है बस। वही बात है कि सीट पे कोई ना कोई डिम्मक आगे जरूर लगेगा। गौरतलब है कि इस तरह की हरकतें आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। चुनाव आयोग ने इसके बारे में एक कानून बनाया हुआ है जिसका नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट। इस कानून में प्रावधान है कि कानून का उल्लंघन करने पर FIR तक दर्ज हो सकती है। इस उल्लंघन के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उल्लंघन करने वाले के खर्च पर साफ सफाई कराने का प्रावधान है। जरा सोचिए, जो नेता बिना कुछ बने कानून का इस तरह से मजाक उड़ा सकते हैं या जिन्हें इस कानून का ज्ञान ही नहीं, वो विधायक बनकर कौन सा कमाल कर दिखाएंगे, जरा सोचना। पानीपत ब्यूरो से डिंपी मल्होत्रा की रिपोर्ट।